Drugs affect differently different people. हाँ, इट अफेक्ट्स ब्रेन सेल्स, वीक हो जाते हैं वीट से. हाँ, हो जाते हैं. यू लूज मेमोरी, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, वो आप लूज करते हो डेफिनेटली. ये तो मैं, मुझे पता है. मगर भैया, मेरे पास चंद चीजें मेरे दिमाग में ऐसी आती हैं वीट पी के बस मत पूछो. क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा हो जाती है. अगर आपने देखा होगा ना, तो जैसे कि आबिदा परवीन को ले लो, नुसरत फतेह अली खान को ले लो, ये लोग धुत होके गाते थे. पहले ये पीते थे अल्कोहल दबा के, और फिर ये धुत होते थे और फिर ये गाते थे. क्योंकि जब आप नॉर्मल गा रहे हो ना, ज्यादातर ये जो रॉक स्टार्स वगैरह हैं, दे गेट ड्रंक एंड देन, और वो तो खैर ड्रग्स भी बहुत करते हैं, दे डू लॉट ऑफ कोक एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. मगर क्योंकि, अब मैं बताती हूँ ना, जब मैं स्टेज पे जाना था मुझको, राइट, जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था और मुझे स्टेज पे जाना था, तो स्टेज पे जाने का एक डर होता है, लोगों के, इतने सारे लोगों के सामने जाने का एक डर होता है. एक यू नो, आप लोग भी देखते होंगे कि आपने कभी स्पीक करना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो यू गेट स्केयर्ड. मगर अगर आप एक आध शॉट लगा लो, एक आध, ये नहीं है पूरी बॉटली पी के चले आओ वहां पर, देन यू आर नॉट गोना बी एबल टू फंक्शन. या अगर आपने थोड़ी सी वीट पी हुई है, थोड़ा सा, तो आप काम डाउन हो जाते हो एंड यू विल डू बेटर. सो दैट्स व्हाट आई से. और मैंने भी एक आध टिकीला का शॉट लगा कर ही गई थी मैं स्टेज पे, ऑल द टाइम. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू.